हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों, आज की डेट है 19 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का कोड है थियोडोर रॉसवेल के द्वारा, जो कहते हैं डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। तो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी जो हम जाके कुछ काम करेंगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि आपके पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है, जितना भी टाइम अवेलेबल है, अगर उसको यहाँ पे ठीक तरीके से प्रोडक्टिवली यूज करते हैं तो आपको जो अचीव करना है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे A12 पेज पे, लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है वो बेसिकली जॉय ऑफ गिविंग या फिर क्वालिटी ऑफ गिविंग के बारे में है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अजीम प्रेम जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है फिलान्थ्रोपिक काम किया है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मोटिवेट भी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे समझें क्यों जो है इंडिया को और ऐसे लोगों की जरूरत है, ताकि हम जो है यहाँ पे सोशल कॉन्शियसनेस लेकर आ सके। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली केरला से रिलेटेड है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन की। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब ये कि जितने माइग्रेंट्स केरला से माइग्रेट हो रहे थे गल्फ कंट्रीज में, अब वो रिवर्स में आना शुरू कर दिया उन लोगों ने। क्या रीजन है उसके, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर में जो आर्टिकल है वो बेसिकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल केसेस डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगस्ता वेस्टलैंड का केस हो सकता है, इवन जो यहाँ पे बोफोर्स का स्कैंडल था। तो कैसे जो है इन सब चीजों को फ्यूचर में रोका जा सकता है, कौन से चेंजेस हैं ऑन द इंस्टीट्यूशन लेवल जो हमें लाने चाहिए। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली पर्सनालिटी के बारे में, जिनका नाम है डैरिल डी मोंटे, जो बेसिकली एक जर्नलिस्ट है, ऑथर है, एनवायरमेंटलिस्ट है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तो इनकी बेसिकली रिसेंटली डेथ हो गई थी, इसी वजह से जो ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो आर्टिकल आई वो मनोहर परिकर जी के बारे में आया हुआ है। तो सबसे पहला आर्टिकल तो बेसिकली यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो है मोटिवेटेड इंसान थे मनोहर परिकर जी, इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है गोवा की डेवलपमेंट के लिए। उसी के साथ साथ एज अ डिफेंस मिनिस्टर, जब यहाँ पे अगर बात करेंगे राफेल डील को बूस्ट देने में या फिर उरी अटैक के तुरंत बाद यहाँ पे रिटेलिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काफी ज्यादा जो है इन्होंने अच्छा काम किया है। अगली बात हम करेंगे कि काफी कम टाइम ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर बन जाता है अमंग द मासेस। तो इतनी आसानी से कोई भी बंदा जो है इतना पॉपुलर नहीं बन सकता है अपने अच्छे कामों के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन इवन हमारी कंट्री में, इवन द वर्ल्ड है, तो वो जो है सोशल मीडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उन्हीं के बारे में कुछ एग्जांपल साइड किया गया है जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को, तो आज की कंट्री का नाम है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका बेसिकली आपको यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में नजर आएगा, जिसकी कैपिटल है बेसिकली सैन जोसे, और नीचे आपको बेसिकली पनामा नजर आएगा और ऊपर आपको निकारगुआ नजर आ रहा है। और ये बेसिकली एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पिछले साल जो है एक पूरा कैरावैन मूव हुआ था निकारगुआ से, इवन यहाँ पे जो है गटमाला से, तो वो मूव कर रहा था यूएस की तरफ, क्योंकि उनको लग रहा था कि यूएस में ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसी का बर्ड आई व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल अमेरिका में बेसिकली आपको यहाँ पे कोस्टा रिका नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी विच विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, मुंबई है और चेन्नई है। तो ये जो है होस्ट होने वाला है बेंगलुरु में। सबसे पहले बात करते हैं कि आईओटी का मतलब क्या होता है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ पे जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो कार है और जो कैलेंडर है वो यहाँ पे जो है मर्ज हो चुका है। यहाँ पे अब अगर मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग है तो कार ऑटोमेटिक डिसाइड करेगी कौन सा जो है बेस्ट रूट है आपके लिए। लेकिन मान लीजिए कोई ट्रैफिक है और आप लेट होने वाले, तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देगा उन लोगों को जो मीटिंग में आने वाले थे कि आप जो है लेट होने वाले हैं। उसी तरीके से एग्जांपल दिया जा रहा है कि अलार्म क्लॉक और कॉफी मेकर की, अगर मान लीजिए आपको 6 बजे उठना है तो 6 बजे जो है जो ब्रूइंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपके कॉफी मेकर में। तो इससे जो है कि विदाउट आपके यहां पे इंटरफेरेंस से यहां पे कॉफी मेकर और यहां पे जो अलार्म क्लॉक है वो खुद कोऑपरेट कर रहा है। उसी तरीके से एग्जांपल है ड्राइवरलेस कार का, जो काफी अच्छा एग्जांपल है, जहां पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को यहां पे खुद रिस्पॉन्स करेगा पूरी तरीके से कार, यहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन काफी ज्यादा मिनिमम हो जाता है। अब यहाँ पे आपका समझ नहीं है कि कैसे जो इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ई गवर्नेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, तो इसी वजह से जो ये पूरी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब चलते हैं यहाँ पे पहले आर्टिकल की तरफ। पहले आर्टिकल में यहाँ पे आपको समझना है कि अजीम प्रेम जी जो है काफी ज्यादा बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट माने जाते हैं हमारी कंट्री में। तो इवन जो यहाँ पे विप्रो को भी हेड करते हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि ऑलमोस्ट 34% ऑफ जो स्टेक है, जो अमाउंट करता है यहाँ पे 52,000 करोड़ को, तो ये जो इन्होंने यहाँ पे फिलान्थ्रोपिकली यहाँ पे एक फाउंडेशन को दे दिया है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली काम करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, कैसे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टीचर्स को जो है हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक सिग्नल भी दे रहे हैं बाकी कॉर्पोरेट में जितने लोग काम करते हैं कि आपको जो है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशली भी, तो उसको आप कैसे मेट कर सकते हैं।
सकते हैं। एक और चीज आपको डेटा वाइज समझनी चाहिए कि इंडिया में जो है बिलियनर्स वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं आफ्टर यूएस और चाइना। आपको जो थर्ड लार्जेस्ट बिलियनर्स है वो आपको इंडिया में ही नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी यानी कि जो इनकम इनइक्वालिटी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो रिच और पुअर के बीच में डिवाइड है वो अभी भी काफी ज्यादा है। इसीलिए जो है 1% जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली होल्ड करता है ऑलमोस्ट मोर देन क्वार्टर नेशनल इनकम को। और यहाँ पे अगर बात करेंगे बिलियनर्स की, कुछ तो है जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है और जो बाकी है वो बेसिकली फैमिली लाइन से ही जो है यहाँ पे बिलियनर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में एक वेरिएशन नजर आता है कि कितने लोग जो है यहाँ पे सोशली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे बाकी यहाँ पे नंदन निलकानी और उनकी जो वाइस है रोहिणी निलकानी, फिर यहाँ पे जो नारायण मूर्ति है, तो इनके भी एग्जांपल साइड किए जाने की ये लोग भी काफी ज्यादा फिलान्थ्रोपिक काम करते हैं। लेकिन इंडिया को जरूरत ये है कि और भी हमें यहाँ पे और फिलान्थ्रोपिक की जरूरत है जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे जो है एड्रेस करेंगे। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे केरला से रिलेटेड। तो यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन उसकी कौन कौन से रीजंस है जिस वजह से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। सबसे पहला रीजन ये है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन जो गल्फ कंट्रीज में नजर आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज है वो ऐसी है कि वो लोकल लेवल्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर टू माइग्रेंट्स। यहाँ पे अगर बात करेंगे कि गल्फ जो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज है उनको अलग अलग जगहों से यहाँ पे अब लेबर मिल रहे हैं, जैसे अफ्रीका से मिल रहे हैं, फिलीपाइन से मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा चीप है कंपेयर टू जो माइग्रेंट्स केरला से माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे हायर वेज वो डिमांड करते हैं, इसी वजह से जो कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भले यहाँ पे जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है लेकिन रेमिटेंस पे सीधा फर्क अभी नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसी वजह से जो है रेमिटेंस में इस वक्त कोई गैप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो है रेमिटेंस रिड्यूस होता हुआ हमें नजर आ सकता है। रेमिटेंस का मतलब होता है बेसिकली अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर बाहर गया है, अगर वो पैसे वापस भेजता अपने स्टेट में, तो उसे बेसिकली रेमिटेंस माना जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे जितने भी ब्लू कॉलर जॉब्स यहाँ पे होल्ड करते थे यहाँ केरला के जितने माइग्रेंट्स, तो वो जो है अगर वापस आते हैं तो यहाँ पे विद इन आर कंट्री हमको उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा, कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको कर्टेल यहाँ पे हैंडल करने के लिए जो केरला कैसे तैयार है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया कर रहे हैं। उसके बाद आपको समझना है कि यहाँ पे एक सर्वे था जिसका नाम है केरला माइग्रेशन सर्वे, तो इसमें बताया गया था जो ओवरऑल माइग्रेशन है उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है ट्रेंड में। तो इससे आपको एक और चीज समझ में आने की 2008 के तुरंत बाद यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जो है यहाँ पे उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लोडाउन नजर आ रही है। इवन यहाँ पे एक पॉलिसी है सऊदी अरेबिया में जिसका नाम है यहाँ पे नीतिगत पॉलिसी, जिसमें जो है इंक्रीज किया जाता है लोकल लेबरर्स को कंपेयर टू माइग्रेंट्स को। अब आपको एक और चीज ये समझनी है कि जैसे जैसे यहाँ पे माइग्रेंट केरला से माइग्रेट करते गल्फ में, उसी तरीके से नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया से यहाँ पे कुछ लोग माइग्रेट करते केरला में, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई थी लेबरर्स की। अब यहाँ पे सारे माइग्रेंट्स अगर वापस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, उसको कैसे जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो जो है चैलेंज अभी भी केरला गवर्नमेंट के सामने रहेगा। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सबसे पहले हिस्टोरिकली आपको समझना होगा कि बोफोर्स स्कैंडल हुआ था 1987 में, जो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट था राजीव गांधी के पीरियड में। फिर यहाँ पे हाउइट्सर ऑगस्टा वेस्टर्न का केस होता है, रफील का केस हो सकता है, तो सब में सिमिलैरिटी ये है कि कहीं ना कहीं जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बनता जा रहा है। अब आपको समझने की जरूरत ये है कि भले एज इंडिया इकोनॉमिकली काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में तो चाइना और पाकिस्तान से भी हम कंपेरेबल नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल साइड किया जा रहा है कि यहाँ पे अभिनंदन वर्तमान जी की, तो ये जो कौन सा प्लेन चला रहे थे MiG-21, तो MiG-21 को इवन फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। भले ही हमारे जो ऑफिसर्स है काफी ज्यादा ट्रेंड है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनको यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली रिड्यूस होने लग जाएगी। और एक और रीजन साइड किया जा रहा है कि आफ्टर कारगिल वॉर हमने यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स या अटैक्स देखे हैं, जैसे यहाँ पे कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, मुंबई अटैक्स हुए हैं, पठानकोट, उरी और यहाँ पे पुलवामा हो गया है। तो आपको समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट इशू है, तो जरूरत यह कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में इमीडिएटली चेंजेस लाने की जरूरत है। इवन अगर समझेंगे सबसे पहला स्टेप ये कि कैसे आप जो है डी पोलिटिसाइज कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में, क्योंकि अगर बात करेंगे यहाँ पे एके एंटोनी की जो कि डिफेंस मिनिस्टर है 10 साल के लिए, तो उन्होंने कोई भी मेजर प्रोक्योरमेंट की ही नहीं ताकि उनका जो यहाँ पे रेपुटेशन है वो कभी खराब हो ही ना। लेकिन ये हमारी कंट्री के लिए इतना अच्छा नहीं, भले ही उनकी रेपुटेशन के लिए अच्छा है लेकिन कंट्री के लिए अच्छा नहीं था। अगली बात हम करेंगे कि यहाँ पे अगर प्रोक्योरमेंट के लिए अगर यहाँ पे अलग से बजट यहाँ पे हमेशा यहाँ पे लगा दिया जाए कि इतना परसेंटेज जो है प्रोक्योरमेंट में ही यूज किया जाएगा और उसके जो रिपोर्टिंग है वो ईयरली वाइज की जा सके और डेटा जो है अगर यहाँ पे पब्लिक में आ जाता है तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो है करप्शन हम देख रहे हैं वो रिड्यूस किया जा सकता है। अगली बात करेंगे यहाँ पे एक नया इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की, यहाँ पे अलग अलग टीम बनाई जा सकती है, जिसकी एक टीम जो है टेक्निकल टीम होगी जहाँ पे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से लोग होंगे, एक होगी नेगोशिएशन टीम जो बेसिकली जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसको मैनेज करेगी फाइनेंस के लिए होगी, और तीसरी जो अप्रूवल टीम होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर कैग और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उनको यहाँ पे स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाएगा कि आपको विद इन दिस टाइम फ्रेम यहाँ पे अग्रीमेंट करना होगा, पूरी यहाँ पे नेगोशिएशन करनी होगी। अगर इसे हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है वो अच्छा हो सकता है और जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हम यहाँ पे अभी फॉलो कर रहे हैं उसको भी थोड़ा हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं।
अगला आर्टिकल काफी सिंपल है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है मैनिपुलेट किया जाता है वोटर को। इवन जो आप जानते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका केस हुआ था, जहां पे जो है लोगों की प्रोफाइलिंग की गई थी ऑनलाइन और उनको यहाँ पे पर्टिकुलर एड्स और पोस्ट दिखाए गए थे। अभी जो पूरी प्रोफाइलिंग थी उसमें सोशल मीडिया का काफी हाथ नजर आ रहा है। लेकिन आपको समझना यह है कि इवन जो जनरल इलेक्शन इंडिया में होने वाले हैं उसमें जो प्रमोशन किया जाता है, इवन दो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको आप इतने अच्छे से एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे सोशल मीडिया जायंट से बातचीत कर सके, लेकिन अभी भी कोई यहाँ पे सक्सेस हासिल नहीं हुई है। अगली बात ये करेंगे कि इवन बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूएस में आप जानते हैं 2016 में जब सरप्राइजिंगली डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे तो बोला जा रहा था कि रशिया का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है। इवन इंडोनेशिया का एग्जांपल साइड किया जा रहा है कि जो चाइनीज और रशियन हैकर्स हैं उनका काफी ज्यादा जो है यहाँ पे रोल प्ले करने को मिला था इवन इंडोनेशिया के इलेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से आईआईटी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया इसरो के साथ ताकि वो सेटअप कर सके यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आईआईटी रोपर है, आईआईटी रुड़की है, पटना और भिलाई है। तो ये बेसिकली सेटअप करने वाले हैं आईआईटी रुड़की में, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है इसरो के और जो यहाँ पे अकेडमी स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ मिलकर कोलाबरेट करने वाले हैं। अब इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये है कि ये हमारी नेशनल डेवलपमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा काम करती है। उसके साथ इसको फाउंड किया गया था 1969 में, लेकिन ये सुपरसीड करता है पर्टिकुलर बॉडी को जिसका नाम है यहाँ पे इनको सपार, जिसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, जो 1962 में यहाँ पे फाउंड किया गया था जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के द्वारा। और यहाँ पे इसरो की बात करते हैं, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है और जो कंप्लीटली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। अब चलते हैं पेज वन की तरफ। पेज वन में जैसे कि आप जानते हैं जो यहाँ पे मनोहर परिकर है उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसी वजह से जो है तो ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है और उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो शख्स है इनका नाम है प्रमोद सावंत, जो कि अब यहाँ पे गोवा के सीएम बनने वाले हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है ह्यूमन एम्ब्रियो स्मगलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो संदेह इंसान माने गए हैं उनका नाम है डॉक्टर गोरल गांधी। तो इन्होंने जो है यहाँ पे एम्ब्रियो को यहाँ पे स्मगल करने की कोशिश की है। अब एम्ब्रियो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेज है अर्ली डेवलपमेंट आफ्टर जाइगोट, तो इसको यहाँ पे बेसिकली स्मगल किया गया है। अब इसको यहाँ पे जो पता लगाया गया वो है DRI के द्वारा, जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। अब ये जो बॉडी है इसको फाउंड किया था 1957 में। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो गोल्ड स्मगलिंग, डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक या मान लीजिए ऐसी कोई भी स्मगलिंग होती है तो उसको यहाँ पे जो है उसमें इंटेलिजेंस गैदर करना इसका काम होता है। अगली बात ये कि ये फंक्शन करता है CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम के अंदर काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि यहाँ पे जो थिंक टैंक है टेरी, तो यहाँ पे अपना इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे यहाँ पे लगाने वाला है जो बायोटेक सॉल्यूशन को देगा। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली, ओडिशा और तमिलनाडु है। तो ये जो इंक्यूबेशन फैसिलिटी है टेरी के द्वारा ये लगाई जाएगी ओडिशा में। अब टेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली थिंक टैंक है इंडिया की जो रिसर्च करता है कि कैसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम प्लान्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडिया में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में और उसी के संदर्भ में यहाँ पे काफी ज्यादा रिसर्च एक्टिविटीज चलती रहती हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। अगला आर्टिकल बीसी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहते हैं ऑलमोस्ट उनको यहाँ पे 3% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस द्वारा बनाया गया था। तो आपको समझना है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर है वो आर्टिकल 214 के द्वारा आती है। अब दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें यहाँ पे ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। पहला तो ये कि आपके जो स्टेट में स्टेट असेंबली जो है वो एक्टिव नहीं है, सेशन में नहीं है, तब जो है आप यहाँ पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए जिस चीज से रिलेटेड आप यहाँ पे ऑर्डिनेंस ला रहे हो काफी इमीडिएट है, तो मतलब आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, तब जो है यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस बना देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझने की, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाता है वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, मतलब उसको वर्क करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे मिरवाजी साइट्स के बारे में है कि आपको समझना ये कि जो शख्स है ये बेसिकली हुरायत को बिलोंग करता है। तो इसको यहाँ पे समॉन किया गया था एनआईए के द्वारा इंट्रोगेशन के लिए, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो सिक्योरिटी वो हटा ली गई है और यहाँ पे जो उन पर अटैक हो सकता है इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया है। अब एनआईए के बारे में समझते हैं, ये बेसिकली फेडरल एजेंसी है जो बेसिकली कॉम्बैट करता है टेरर को। उसी के साथ साथ इसकी अगर बात करें इसको कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती किसी स्टेट से, जैसे कि सीबीआई को पड़ती है। उसके साथ साथ इसका जो मैंडेट है आता है एनआईए एक्ट ऑफ 2008 से। इसको बनाया गया था मुंबई अटैक जो 2008 होता है उसके तुरंत बाद, और इसके बाद कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है कि मतलब यहाँ पे विद इन आर कंट्री सेंटर स्टेट कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं भी ऐसा कोई एक्ट होता है तो वहां पे जो ये एक्ट कर सकता है। अगला बात करेंगे, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है सुषमा स्वराज जी विजिट कर रही है मालदीव को, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की है, जैसे कि यहाँ पे नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, हेल्थ सेक्टर में उनको यहाँ पे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ एलईडी स्ट्रीट लाइट भी दिए जाएंगे। उसके साथ अगर बात करें मोहम्मद सौली की, जो यहाँ पे उनके प्रेजेंट बनकर आए, उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉमिसिंग स्टैंड दिखाया है, बोल रहे कि यहाँ पे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा, चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे जो है रिड्यूस किया जा सकता है। अगर मालदीव की बात करेंगे, मालदीव हमारे साथ कॉपरेट करता है सार्क में, लेकिन सार्क क्योंकि ठंडे बस्ते में इसी वजह से जो है हम लोग इन ग्रुप लेवल उनके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं। सार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे सार्क में कितनी कंट्रीज आती है, और मालदीव जो है बाकी किसी मेजर ग्रुपिंग में अवेलेबल नहीं है, जिसकी बिमस्टैक में अवेलेबल नहीं मिलेगा, एससीओ में नहीं मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट कंडक्ट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन विद इंडिया अगेंस्ट द इंसर्जेंट्स इन द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट। तो कलादान प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो है इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, तो यहाँ पे किस कंट्री के साथ हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है, तो वो किया है हमने म्यांमार के साथ। अब आपको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिस बता देता हूँ। तो ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये हेल्प करेगा हमें कनेक्ट करने के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ। अब इसके लिए हम लोग मल्टी मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन रिवर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, सीधा कोलकाता से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को, उसमें हम यहाँ पे सितवे पोर्ट जो म्यांमार में नजर आता है उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जो पूरा वेंचर होगा, ये इंडिया म्यांमार का वेंचर होगा, जहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट से जो यूजली हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्ट करते हैं, अब वो हम यहाँ पे इंडायरेक्टली भी कनेक्ट कर पाएंगे। और इसका जो पूरा फाइनेंसिंग और जो पायलट किया जाएगा, वो किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। अगला आर्टिकल बेसिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कर्नाटक के जो पुलिस ऑफिसर है, ये जाने वाले सेनेगल ताकि एक्सट्रेड किया जा सके रवि पुजारी को। रवि पुजारी को बेसिकली यहाँ पे कन्विक्ट माना गया है मकोका, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के अंतर्गत। लेकिन आपको समझना ये है कि सेनेगल के साथ हमारी कोई एक्सटेंशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन हम उन्हें यहाँ पे जो एक्सट्रेड करेंगे किसके अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफ 2000। तो इसके अंतर्गत जो है एक्सटेंशन किया जाएगा। अब सेनेगल की लोकेशन आप यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली है डकार। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल हेल्ड विच एम वॉज टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज एंड इंक्रीज द कल्चरल एक्सचेंज। तो ये कहाँ पे किया गया था, मुंबई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किया गया था न्यू दिल्ली में। उसके साथ आप थाईलैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसकी जो कैपिटल बेसिकली है बैंकॉक। देखिए आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर करती है बैंकॉक को, जिसके ऊपर देख सकते हैं म्यांमार आप देख रहे हैं, लाओस जो कि लैंडलॉक है वो देख सकते हैं, इवन कंबोडिया, और नीचे आपको यहाँ मलेशिया नजर आएगा। अगला यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे चलते हैं। तो एक्सप्लेन पेज भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल भी आया था कि लोकपाल का जो यहाँ पे हेड है उनको करने के लिए यहाँ पे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है यहाँ पे चंद्र घोष, तो इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन इनके बाद भी यहाँ पे जो 8 मेंबर्स जो मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी अभी सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकपाल की। तो लोकपाल को एसएन दे दिया गया था 2013 में, लेकिन अभी तक जो है उनके हेड को अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया था। अब बात करते हैं कि अगर ये फॉर्मलाइज कर दिया जाता है तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकपाल के अंदर यहाँ पे एक विंग बनाई जाती है जिसका नाम है इंक्वायरी विंग, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी करनी होती है तो वो बेसिकली इस विंग के द्वारा की जाएगी। फिर एक और विंग बनाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन विंग, तो पे उनके खिलाफ जो चार्जेस लगने वाले हैं तो उसके बारे में जो इंट्रोगेशन की जाती है, जो यहाँ पे कलेक्ट करना होता है एविडेंसेस, तो वो जो है प्रोसिक्यूशन विंग की करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं कि क्या दायरा होने वाला है, तो जितना भी यहाँ पे जो पब्लिक यहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो सकता है, मिनिस्टर, एमपीस, एबीसीडी, जितने भी एम्प्लॉय के ग्रुप्स होते हैं, तो वो जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकपाल के अंदर आ जाते हैं। एक और चीज आपको ये समझनी है कि अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो है स्पेस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल इशू अगर रिलेटेड कुछ भी करते हैं, तो वो जो है लोकपाल के अंदर नहीं आता है। उसके बाद करते हैं कि ये जो इंक्वायरी प्रोसीड होगी विद इन 90 डेज, उनको अपनी इंक्वायरी खत्म करनी होती है। उसके बाद अगर बात करें कि हर स्टेट में भी लोकायुक्त को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट में ऑलरेडी लोकायुक्त को यहाँ पे बिल लाकर पास कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट में जो है लोकायुक्त को अभी एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। अगले यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे जो डेटा पॉइंट आया, वहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी जो लैंग्वेज है मोस्ट यहाँ पे स्पोकन है, जैसे कि यहाँ पे आप चाइनीज देख सकते हैं, फिर स्पैनिश है, फिर इंग्लिश है, हिंदी है, अरबिक और बंगाली है। तो टॉप 10 में आपको यहाँ पे इंडिया से दो लैंग्वेज नजर आएगी, एक हिंदी नजर आएगी, फिर बंगाली नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दैट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द 34th मीटिंग ऑफ SCO एंड द रैट्स, यानी जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर विच वॉज हेल्ड इन ताशकंद। तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो इस एक्सरसाइज का नाम इसलिए सारी आर्का एंटी टेरर 2019। तो सबसे पहले समझते हैं कि SCO है क्या। SCO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में नजर आएगा, जो कि चाइना में। उसके साथ आपको एक और चीज ये समझनी है कि SCO की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कौन कौन सी कंट्री है, जैसे कि चाइना है यहाँ पे, तजाकिस्तान है, ईरान है, किर्गिस्तान, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया है। इसी वजह से इस बॉडी की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ चुकी है। लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये इसका हेडक्वार्टर आपको बेसिकली ताशकंद यानी कि उज़्बेकिस्तान में ही मिलता है, लेकिन ये बेसिकली परमानेंट ऑर्गन है SCO का। अब ये किससे डील करता है, ये तीन एविल से डील करता है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जो है रैट्स के बारे में कि क्या ये SCO का परमानेंट ऑर्गन है या नहीं है, कौन सी तीन चीजों के साथ डील करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर।
अगले यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है इलेक्शन में उसे कैसे रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी तो उसमें कोशिश कर रहा था इवन इलेक्शन कमीशन की जितने भी यहाँ पे नेगोशिएशन है उनके साथ साथ यहाँ पे बात कर सके। इस पर्टिकुलर मीटिंग में था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल से, व्हाट्सएप से, तो उनके साथ यहाँ पे बातचीत करने की बात कर रहे थे। दूसरी बात आपको ये समझना है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो यहाँ पे कोई भी एड या एडवर्टाइजमेंट लेकर आ रहे हैं तो उसे प्री सर्टिफाई करने की जरूरत है एक पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा जिसका नाम है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर जो यहाँ पे कंटेंट रिमूव करने की जरूरत है, अगर यहाँ पे इलेक्शन से दो दिन पहले ही ये जितना भी कंटेंट आप जो प्रोपेगेट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड, तो इसमें कैसे जो है यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अगली बात करेंगे कि यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी एडवर्टाइज नहीं करते हैं, किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो एडवर्टाइजर है तो उनको कैसे ये रोका जा सकता है, यहाँ पे उसके लिए क्या प्रोविजन ला सकते हैं, तो उसमें भी जो है सोशल मीडिया और इलेक्शन कमीशन को मिलकर बातचीत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ फोर्थ सेशन ऑफ यूएनईए यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली जो हेल्ड हुई थी नैरोबी में। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है और जो इस बार की थीम थी वो थी इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो ये बेसिकली हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है लेकिन थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूएनईए है ये बेसिकली वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो इसकी जो मीटिंग है वो बाइनली होती है, मतलब हर दो साल में होती है। उसके बाद एक और चीज आपको ये समझनी है कि जो गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट के अंतर्गत तो इसमें 193 कंट्रीज है, ये लोग नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे जो है एनवायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो यहाँ पे इसको रेफर किया गया था रियो प्लस 20 के द्वारा और जो पहला और दूसरा सेशन है इसमें इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, एयर क्वालिटी और एनवायरमेंट रूल ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस किया गया था। और जो तीसरी मीटिंग हुई थी तो उसमें बात करी थी कैसे जो है पोल्यूशन फ्री प्लैनेट बना जा सकता है। अगला यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में जो यहाँ पे मास शूटिंग हुई थी, जो इंसान जिसने यहाँ पे शूटिंग की थी जिसका नाम है बेनेट टैरेंट, जो काफी ज्यादा व्हाइट सुप्रीमिस्ट में बिलीव कर रहे थे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे व्हाइट ज्यादा सुप्रीम है बाकी लोग नहीं है, तो इसी वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई इस बंदे ने यहाँ पे मास शूटिंग की थी। इसी वजह से यहाँ पे इनके जो लीडर्स है बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो गन लॉ है उसे चेंज करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त जो गन लॉ है वो बेसिकली लाइसेंस देता है पर्टिकुलर इंसान को कि वो कितने भी गन ला सकता है, तो लाइसेंस दिया जाता है इंसान को ना कि गन्स को, तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अवार्ड दिया था नारी शक्ति पुरस्कार टू सीमा मेहता, तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पे आपका ऑप्शन है पॉलिटिशियन, कथक डांसर, सिंगर या एक्ट्रेस, तो ये बेसिकली कथक डांसर हैं। अगला आर्टिकल लेफ्ट साइड पे जो आया, यहाँ पे चाइना ने बेसिकली एक वाइट पेपर रिलीज किया जहाँ पे बता रहे हैं कि जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ तो काफी ज्यादा नोटोरियस अटैक था एलईटी के द्वारा, तो भले ही उन्होंने यहाँ पे स्टैंड लिया हुआ है लेकिन जब बात करते हैं मसूद अजहर की तो उन्होंने जो है यहाँ पे टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। राइट साइड पे जो आर्टिकल आया यहाँ पे बता रहे हैं सऊदी अरेबिया ने जो यहाँ पे जमल खशोगी के असैसिनेशन में जो हाथ दिखाया था तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए बताया कि जितने भी लोग डिसेंट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ तो उनको यहाँ पे जो है सप्रेस करने के लिए यहाँ पे अलग से बॉडी बना दी गई है। और ये जो बॉडी है ये बेसिकली उसे कहते हैं सऊदी अरेबिया रैपिड इंटरवेंशन ग्रुप, तो वो जो है इसे सपोर्ट कर रहा है डिसेंट करने के लिए। जितने भी लोग बोलते हैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ तो उनको यहाँ पे कंप्लीटली सप्रेस करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वेस्ट नाइल वायरस अ मॉस्किटो बोन डिसीज मोस्टली रिपोर्टेड इन द कॉन्टिनेंटल यूएस अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिसेंटली। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। तो रिसेंटली जो आपको वेस्ट नाइल वायरस है ये आपको मिलेगा केरला में। और अगर यहाँ पे अगर इस वेस्ट नाइल वायरस की बात करेंगे तो ये बेसिकली फेवियस जीनस से बिलोंग करता है जो कि सिमिलर है जापानीज एंसेफेलाइटिस से। अगली बार आपको ये समझना है कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसीज और डेथ भी हो सकती है लोगों की और ये जो है बेसिकली ट्रांसमिट करता है बर्ड्स और मॉस्किटोज के द्वारा। अगर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो इवन जो ह्यूमन इन्फेक्शन किया जाता है मॉस्किटो में, उसके साथ साथ अगर बात करेंगे इवन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इन्फेक्टेड एनिमल से वो भी हो सकता है। अगला सवाल आपके लिए ये है कि बताइए कैपिटल करेंसी क्या है म्यांमार की, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये तो क्वेश्चन है जो जवाब है आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।